पटना मेडिकल कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा पीएमसीएच के ऑडिटोरियम में 6वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन पटना में किया गया। समारोह का उद्घाटन करते हुए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि पीएमसीएच को आधुनिक बनाने की दिशा में हम लोग प्रयासरत हैं और पीएमसीएच के चिकित्सक विश्व भर में फैलकर बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल को आधुनिक सुविधाओं से युक्त करके ही दम लेंगे। यदि बिहार आज इन सारे मामलों में पूरे देश में उदाहरण बन के प्रस्तुत हो रहा है, आज पूरे देश में बिहार मॉडल की चर्चा हो रही है कि बिहार ने कैसे कोरोना को नियंत्रित किया, कैसे ट्रीटमेंट किया, कैसे आइसोलेट किया, कैसे हाउस टू हाउस सर्वे किया, कैसे एक एक लोगों को खोज के निकाला, आज बिहार एक मॉडल बन गया है। नीति आयोग में भी इसकी चर्चा हो रही है कि बिहार मॉडल को समझने की कोशिश होनी चाहिए। आज बिहार ने यह यदि सम्मान अर्जित किया है, आज बिहार यदि मॉडल बना है तो वो आप लोगों के कारण बना है, इसलिए मैं सैल्यूट करता हूं और इस कार्यक्रम के माध्यम से बिहार के एक स्वास्थ्य कर्मियों को मैं सैल्यूट करता हूं। आज उन लोगों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। मैं आप सब चिकित्सा कर्मियों के सामने कहना चाहता हूं, मुझे स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेवारी मिली है, मैं जब तक जीवित हूं स्वास्थ्य कर्मी या चिकित्सकों के मान सम्मान पर तली भी आंच नहीं आने दूंगा। और यदि आपकी गरिमा को कोई गिराने की कोशिश करेगा तो मंगल पांडे उसे कतई स्वीकार नहीं कर सकता है, मुंह तोड़ जवाब देगा, हर मोर्चे पर देगा। और स्वाभाविक रूप से पीएमसीएच से पास कोई डॉक्टर कहीं भी जाके इलाज करता है तो उससे हमारे बिहार की गरिमा बढ़ती है और इन 96 वर्षों में पीएमसीएच ने बिहार के गरिमा को बढ़ाने का काम किया है, इसलिए संपूर्ण परिवार को हृदय से मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री व पीएमसीएच के वरिष्ठ चिकित्सक ने कहा कि पीएमसीएच का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। तो वहीं इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय न्यूरो चिकित्सक डॉक्टर अरुण कुमार ने कोरोना से बचाव के उपाय बताए। बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज पटना मेडिकल कॉलेज कंपाउंड में खुलेगा, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। पटना मेडिकल कॉलेज एक बड़ा नामी कॉलेज था, है अभी भी है कि नहीं, इसके नाम खत्म हो गया है, बहुत नामी था। और आप लोग, हम लोग सब इसी के स्टूडेंट हैं, यहीं से पास किए। समय के बहुत लंबा जब किसी चीज़ का हो जाता है, जैसे चीज़ पुरानी हो जाती है इंस्टीट्यूशन भी पुराना हो जाता है और लोग उसमें इंटरेस्ट कम लेने लगते हैं। वही हुआ पटना मेडिकल कॉलेज में। इस पटना मेडिकल कॉलेज को एक नया रूप दीजिए, एक नया मेडिकल कॉलेज बनाए। और इस बात उन्होंने, जैसे पांडे जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि एक नया मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बनेगा, काफी बड़ा 400 बेड का और नामी हॉस्पिटल होगा। देखिए चिकित्सकगण गोपाल जी का स्वागत कर रहे हैं, डॉक्टर गोपाल प्रसाद सिन्हा जी का। आपका शुभ नाम? डॉक्टर विद्यापति चौधरी, प्रिंसिपल। तो विद्यापति जी कैसा महसूस कर रहे हैं आज? बहुत खुशी है कि अपने एक सम्माननीय शिक्षक को हम सम्मानित कर रहे हैं आज कॉलेज फाउंडेशन डे में, जो कि हम लोग के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। इनको बहुत बहुत स्वागत है और नमन। पीएमसीएच का स्थापना दिवस समारोह है और आप बड़े चिकित्सक डॉक्टर गोपाल प्रसाद सिन्हा जी पीएमसीएच के वरिष्ठ प्राध्यापक रहे हैं, आज के दिन क्या कहना चाहेंगे? कोरोना भी है और पीएमसीएच का स्थापना दिवस और वरिष्ठ डॉक्टरों का जमावड़ा, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस करते हैं। कोरोना दिवस के बावजूद हमारे प्रिंसिपल साहब ने दायरे में एक उत्साहवर्धक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, खुशी होती है क्योंकि हम लोग पीएमसीएच के जर्रे जर्रे से जुड़े हुए, हृदय से जुटे हुए हैं। इसे लगता है कि आज हम लोग का बर्थडे है, पीएम क्षेत्र नहीं, हम लोग का बर्थडे है। इस जमीन से जो भी निकला है उसका बर्थडे है। पीएम क्षेत्र लगातार इस बर्थडे में अपनी लंबी आयु खींचते हुए दुनिया का दिग्दर्शन रास्ता दिखावे, यही इच्छा है। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के न्यूरो चिकित्सक जिनका पूरा देश में नाम है, डॉक्टर अरुण कुमार अग्रवाल जी। सर, कोरोना पुनः बढ़ रहा है, मुंबई फिर हॉटस्पॉट बन गया है, कोरोना से कैसे बचा जाए और मस्तिष्क की बीमारी, न्यूरो की जो बीमारी है उसकी क्या स्थिति है, थोड़ा बताएं। कोरोना का स्ट्रेन भी बदल रहा है और स्ट्रेन बदलने की वजह से इसको पकड़ने में भी दिक्कत हो रही है। स्ट्रेन बदलना कोरोना वायरस की आदत है, उसका नेचर ही ऐसा है कि स्ट्रेन बदलता है। मगर जो उससे बचाव के जो दो तीन तरीके हैं,
बचाव के जो तीन तरीके हैं, मास्क लगाओ, दूरी मेंटेन करो और हाथ साफ रखो, ये कोई भी स्ट्रेन आएगा तो ये सिस्टम ही बचाएगा। वैक्सीनेशन भी है लेकिन ये सिस्टम हमेशा आपको किसी भी स्ट्रेन से बचाएगा। और डॉक्टर साहब ये बताएं, न्यूरो के मरीजों की संख्या भारत में क्या है और कितने प्रतिशत लोग इस बीमारी से ग्रसित है और क्या उपाय है? कोरोना से ठीक हो जाने के बाद भी जब कोरोना से ठीक हो जाता है मरीज तो कई एक पेशेंट ऐसे हैं जो दोबारा लौट के आते हैं दूसरे बीमारियों के साथ। कोई किडनी का रोग लेके आता है, कोई फेफड़े का रोग लेके आता है और ब्रेन का भी रोग लेके आते हैं। ब्रेन में सबसे कॉमन दो टाइप के कॉम्प्लिकेशन है कोरोना के ठीक हो जाने के बाद भी। एक ये है कि वो मानसिक रूप से थोड़ा विक्षिप्त हो जाता है, उसकी याददाश्त में कमी आ जाती है और वो उसका इलाज करना पड़ता है, धीरे धीरे वो बेहोश हो जाता है और उसका मौत हो जाती है। दूसरा एक ग्रुप है कोरोना से अफेक्टेड मरीजों का, वो है स्ट्रोक का। सर्कुलेशन स्टॉप कर गया, सर्कुलेशन चोक कर गया और ब्रेन में कोई एरिया मर गया उसका, तो उसको जो स्ट्रोक बोलते हैं लकवा, वो हो जाता है और उसको रोकने में बहुत दिक्कत होती है और वो खतरनाक है। ये दोनों खतरनाक रोग कोरोना से ठीक होने के बावजूद, ठीक होने के बाद भी एक रोग का ग्रुप है जो कि कोरोना में आता है। भारत में कितने प्रतिशत लोग हैं जो आज न्यूरो बीमारी से ग्रसित है, मस्तिष्क की बीमारी? की बीमारियां ब्रेन से संबंधित है, तो सर का दर्द भी बहुत बड़ा रोग बन चुका है और यह सब मिला जुला करके मेरे एस्टिमेट में तो कम से कम 60-70% लोग ऐसे हैं जो छोटे से बड़े, बड़े से छोटे किसी न किसी न्यूरो के प्रॉब्लम से ग्रसित है। इसे कैसे बचाया जाए डॉक्टर साहब? अब तो रोग, हर एक रोग का अलग अलग बचाव है। मिर्गी का अलग है, सर के दर्द का अलग है, सर के दर्द का बहुत से कारण होते हैं, माइग्रेन कारण का, माइग्रेन का है तो माइग्रेन का भी कारण निकालना होता है, बहुत से कारण से माइग्रेन का दर्द होता है। इतने छोटे समय में करना मुश्किल है, मगर किसी को खास, किसी के खाने से, किसी को स्ट्रेन से, किसी को धूप में जाने से, किसी को नज़र कमजोर होने से माइग्रेन पुश्तैनी भी होता है, तो माइग्रेन किस कारण से हो रहा है उसका इलाज उस तरह से होता है, उतना ही लंबा फिर चलता है। हमारे साथ में PMCH से जुड़े वरिष्ठ चिकित्सक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चिकित्सक डॉक्टर सत्यजीत सिंह जी जुड़े हैं, कुछ साझा करते हैं PMCH के विषय में। सर, पहले का PMCH और आपके PMCH में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? आज 96 एनुअल फंक्शन है आपका, क्या बदलाव आया थोड़ा बताएं। बदलाव जो है वो प्रकृति का एक नेचर है, बदलाव होता ही है, उस बदलाव में कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है। हाँ, आज के लड़के अच्छे टेक्निक सीख रहे हैं, नए नए विज्ञान के बात सीख रहे हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो डॉक्टरों में जो समाज के प्रति जो लगाव होना चाहिए, जो एक इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए, उसमें कमी है। इसलिए चाहिए कि डॉक्टरों को अच्छे वैज्ञानिक शिक्षा के साथ साथ सोशली उनको कनेक्ट करना चाहिए लोगों से, जो प्रोफेशन और पेशेंट से इमोशनली जुटे और एविडेंस बेस्ड एक रैशनल ट्रीटमेंट दे गरीब को, जिससे सभी का भला हो। जो नए चिकित्सक आपके बन रहे PMCH से, उन्हें क्या आप संदेश देना चाहेंगे? हम एक बात बहुत जोर से बोलते हैं कि प्रोफेशन सब है और पैसा कमाना बुरी चीज़ नहीं है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों, अपने पेरेंट्स के लिए, लेकिन हम डॉक्टर हैं, हम डिफरेंट हैं। तो आप डॉक्टर हैं, आपका रिलेशन लोगों से बाकी प्रोफेशन से अलग है। आपके पास लोग दुख लेके आते हैं, उनका सहानुभूति से इलाज करें,